अध्याय एक। परमेश्वर ने स्त्री व पुरुष को अपनी समानता में बनाया। हेडिंग, परमेश्वर ने पुरुष एवं स्त्री दोनों को अपनी समानता में बनाया। उत्पत्ति एक अध्याय 27 पद और 5 का एक। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। परमेश्वर के समान मनुष्य व्यक्तिगत भावनात्मक तर्क तथा इच्छा शक्ति का उपयोग करने वाले परमेश्वर की विशेष सृष्टि है। पहली व्यक्तित्व, परमेश्वर ने हमें अर्थपूर्ण संबंधों को स्थापित करने की इच्छा दी है। आदम की वाटिका में यह आवश्यकता परमेश्वर की संगति में बने रहकर पूरी होती थी, परंतु पाप के कारण यह अनुभव समाप्त हो गया और मनुष्य अपने आप में अकेलेपन से भटक गया। मनुष्य का यह अकेलापन केवल परमेश्वर की संगति में रहकर पूरा होता है। भजन संहिता 63:1। समस्या तब आरंभ होती है जब मनुष्य स्वयं के संसाधनों पर भरोसा रखने लगता है। परमेश्वर हमारा सच्चा स्रोत है, उसी ने हमें सृजा है तथा हम उसके बिना नहीं जी पाते। तार्किक जीव, मनुष्य केवल दो दिशाओं में जा सकता है, या तो परमेश्वर की ओर या उसके विपरीत दिशा में। परमेश्वर ने मनुष्य को सोचने, योजना बनाने तथा मूल्यांकन करने की शक्ति दी है। समस्या तब आती है जब मनुष्य की स्वयं की बनाई योजना नाकाम हो जाती है। एक अधिक नियंत्रित रखने वाला व्यक्ति अपने कार्य तथा परिवार को हानि पहुंचाता है। हमारी भावनाएं उस वक्त गलत हो जाती है जब हम परमेश्वर की योजनाओं के विपरीत योजना बनाते हैं एवं स्वयं को पूर्ण अनुभवों के आधार पर देखते हैं। इस प्रकार से स्वयं के अनुसार निर्मित पहचान को लेकर चलने से आमतौर पर हम संबंधों के महत्व को नहीं समझ पाते तथा आपसी प्रेम को नहीं रख पाते। याकूब 2:8। अतः यह अति आवश्यक है कि हम स्वयं को परमेश्वर के समक्ष रखें। प्रभु यीशु ने सदैव सामान्य विचारों से आरंभ किया, परंतु हर परिस्थिति में उन्होंने मूल्य समस्याओं को प्रकट किया। उन्होंने समस्याओं को स्रोत बनते हुए मनुष्य के जीवन जीने की विधि तथा कैसे मनुष्य स्वयं को देखता है उसकी इशारा किया। प्रभु यीशु की सेवकाई में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने सामरी स्त्री से बातचीत की। यूहन्ना 4:7 से 29 में लिखा है, ऐसा करके उन्होंने मनुष्य तथा अज्ञात स्त्री के बीच ठहराए गए संबंधों के दायरों का खंडन किया। उनसे वार्तालाप में उन्होंने उसकी प्रमुख आवश्यकताओं को बताया। शारीरिक जल कुछ समय के लिए प्यास तो बुझा सकता है, परंतु कुछ समय के पश्चात मनुष्य पुनः असंतुष्टि अनुभव करता है। नंबर 3, निर्णय करने की शक्ति। हमारे निर्णय हमारे विश्वास तथा भावनाओं पर आधारित होते हैं। हम एक अर्थपूर्ण जीवन की कामना करते हैं तथा ऐसे निर्णय बनाते हैं जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जा सके। इफिसियों 1:11। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई पश्चात हमारी निर्णय लेने की क्षमता दोषपूर्ण हो गई है, परंतु खुशी की बात यह है कि हम परमेश्वर की सहायता से सही निर्णय योजना बना सकते हैं। हमारा स्वभाव तो केवल एक बाहरी चिन्ह है, परंतु यह हमारी आंतरिक अनुभवों तथा दुख से प्रभावित होता है। परंतु जब परमेश्वर के साथ हम सही रूप से जुड़ जाते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। जब हम अपने सपनों को त्याग रहे हैं तो हम भूल जाते हैं कि यह भी एक चयन है। बाइबल आधारित परामर्श हमारे स्वभावों को नीचे देखकर हमारे हृदय में पाए जाने वाले विचार, आशा तथा निराशाओं को प्रकट कराती है। अंत में उद्देश्य यह नहीं कि स्वभाव बदला जाए, परंतु यह कि एक नवीन हृदय प्राप्त कर सके। पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा हृदय परिवर्तित होता है।
जिससे हमारा स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है। परमेश्वर ने स्त्री व पुरुष को अपनी समानता में बनाया। नंबर 4, भावनात्मक जीव। परमेश्वर ने हमें भावनाएं दी है। कई बार हम अपनी भावनाओं का सामना नहीं करना चाहते। परमेश्वर ने हमें भावनाएं इस कारण दी है ताकि हम उनसे बेहतर संबंधों को कायम कर सके। यह आवश्यक है कि हम हृदय से परमेश्वर को पुकारें तथा उन्हें हमारे बुरे अनुभवों की यादों को चंगा कर दें। पुरुष एवं स्त्री दोनों को ही बराबरी से आशीषित किया गया है। संपूर्ण कलीसिया के इतिहास में तथा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं कि परमेश्वर संपूर्ण कलीसिया को बिना रंग, जाति तथा लिंग का भेद रखते हुए आशीषित करता है। वास्तव में देखा जाए तो हम बनाए गए कि परमेश्वर सबसे कम अपेक्षित व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए चुना तथा स्वास्थ्य किया, दूसरी तिमोथियुस और कुरिन्थियों की पुस्तकों में लिखा है। चाहे बुजुर्ग सारा की बात हो या फिर जवान तथा अनुभव रहित दाऊद का विषय हो या फिर न्याय करने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुनी गई भविष्यवक्ता दबोरा की बात हो, परमेश्वर ने सदैव इंसानी सोच से हटकर लोगों का चयन किया है। इस प्रकार सेविकाई सर्वप्रथम परमेश्वर के चयन तथा शासक किए जाने का परिणाम है। इस कथन का क्या अर्थ है कि मसीही सेविकाई परमेश्वर के द्वारा शासक किए जाने पर आधारित है, न कि लिंग पर? वचन के अनुसार जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है तब वह पवित्र आत्मा के वरदानों को पाता है जो कि उसे परमेश्वर की सेविकाई के लिए शासक करते हैं, क्योंकि ये वरदान परमेश्वर की तरफ से आते हैं। अतः यह असाधारण परमेश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण है तथा इनकी प्राप्ति मानवीय चयन का कोई स्थान नहीं होता। परमेश्वर का सनातन ज्ञान एवं योजना के अनुसार इन वरदानों को वह प्रत्येक विश्वासी को देते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम कहीं नहीं पाते कि यह वरदान मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः संभव है कि आपके द्वारा प्राप्त किया गया वरदान आपकी अपेक्षा तथा समाज के द्वारा ठहराए गए मन के अनुसार ना हो, परंतु वचन यह जरूर स्पष्टता से प्रकट करता है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों के प्रति प्रत्येक विश्वासी जवाबदाही बनती है। एक बात स्पष्ट है, दूसरी तिमोथियुस 1:4-7 के अनुसार हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों की रक्षा करनी तथा हम संभव परिस्थिति में उनका उपयोग करने के द्वारा उन्हें बढ़ाना है। वचन यह भी स्पष्ट करता है कि इन वरदानों का उपयोग प्रमुख रूप से विश्वासी के समुदाय के माध्यम किया जाए, और इनके वचन हम यहाँ पर देखते हैं। 1 पत्रस 4:7-11, Romans 12:3-8, Ephesians 4:7-16, और 1 Corinthians 12:1-31। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी विश्वासी लोग अपने अपने वरदानों को एक ही जगह पर इस्तेमाल करते थे और उसको बढ़ाते थे, आपस में लोग मिले रहते थे। पुराने नियम में हम पाते हैं कि परमेश्वर के द्वारा वरदान प्राप्त करके आवश्यकता के अनुसार लोगों ने नेतृत्व संभाला। पुराने नियम में हम पाते हैं कि याजक से अधिक महत्वपूर्ण सेविकाई एवं भविष्यवक्ता की होती थी। याजक प्रजा की ओर से परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता था, परंतु इसके विपरीत भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से लोगों के समक्ष तथा विशेष रूप से इजरायली नेताओं के सामने खड़ा होता था। इस प्रकार से भविष्यवक्ता नेताओं के नेतृत्व को कार्यभार को संभालता था। इस सेविकाई के लिए दोनों पुरुष तथा स्त्रियों को परमेश्वर के द्वारा चुना गया। इस प्रकार से हम पाते हैं कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल के राजाओं
प्रजा तथा याजकों को उभारा व उन्हें चेतावनी दी तथा प्रोत्साहित किया। इस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने स्त्रियों को भी उपयोग पात्र जानकर चुना तथा उनको उपयोग किया। न्यायियों 4:4-5 हम दबोरा के विषय में देखते हैं और 5:7 तथा नुआदिया, नहेमिया, हुल्डा, योजिया राजा के काल में भविष्यवक्ता चुनी गई। दूसरी राजा 22:16 में जब व्यवस्था की पुस्तक प्राप्त की गई 622 बीसी में, तब राजा ने उसी समय में सेवारत यार्थित तथा सपन्या की अपेक्षा हुल्डा की सलाह को माना। दूसरी इतिहास 34:14-33 तक हम देखते हैं और दूसरी राजा 22। इसके फलस्वरूप हम पाते हैं कि संपूर्ण इज़राइल देश में एक गहरी जागृति का आरंभ हुआ, जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ियों ने आशीष पाई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मरियम एवं दबोरा भी पुराने नियम में पाए जाने वाले प्रमुख भविष्यवक्ताओं में से थी। मरियम के नेतृत्व में देखने की योग्यता को इस बात से जाना जा सकता है कि इज़राइल ने उसके बिना यात्रा करने से इनकार किया। गिनतियों 12:2-16। दबोरा भी इसी प्रकार से प्रभावशाली भविष्यवक्ता, न्यायी तथा इज़राइल की माता के रूप में जानी गई है। परमेश्वर ने स्त्री व पुरुष को अपनी समानता में बनाया। नुआदिया, जिसका विवरण नहेमिया 6 में मिलता है, बहुत अधिक नहीं जाना गया है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि संपूर्ण पुस्तक में वर्णित दो भविष्यवक्ताओं में से वह एक थी। पुराने नियम में महिलाओं ने न केवल भविष्यवक्ताओं के रूप में सेवकाई की, बल्कि उन्होंने व्यवसायिक जगत में भी नेतृत्व प्रदान किया। इसके अलावा महिलाओं ने मेल मिलाप के तंबू तथा नगर के फाटकों में भी नेतृत्व दिया है। नीति वचन में भी ऐसी ही स्त्री का वर्णन है, जिसकी सत्य निष्ठा तथा उत्कृष्ट व्यवसायिक योग्यताओं के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। नया नियम में भी हम पाते हैं कि कलीसिया में हमारी सेवकाई का हमारे नए जन पाने से अटूट बंधन है। जिस क्षण हम प्रभु यीशु पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, उसी क्षण हम परमेश्वर की वाचा पर आधारित समुदाय का भाग बन जाते हैं तथा इस सत्य को ही बपतिस्मा के द्वारा समाज पर व्यक्त किया जाता है। पुराने नियम में परमेश्वर की वाचा के द्वारा उनके साथ स्थापित संबंध को खतना के बाहरी चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता था और केवल पुरुष ही इस रीति में भाग लेते थे, परंतु नए नियम में इस रस्म को बपतिस्मे के द्वारा बदल दिया गया है तथा बपतिस्मा अब दोनों पुरुष एवं स्त्रियों के लिए लागू होता है। बपतिस्मे की प्रक्रिया के द्वारा चिन्हात्मक रूप में हम मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान में सहभागी होकर परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु के द्वारा दिए गए छुटकारे की गवाही देते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर आगे से हमारे अपराधों को नहीं देखते, परंतु मसीह में होकर हमें देखते हैं, जैसा मानो हमने मसीह को पहन लिया हो। इस सत्य को संत पौलुस के द्वारा गलातियों 3:27-29 में समझाया गया है कि क्योंकि तुम सबने जिन्होंने मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उन्होंने यीशु को पहन लिया है। अब ना तो कोई यहूदी है, ना ही यूनानी, कोई दास या मुक्त, ना ही कोई पुरुष या स्त्री, परंतु सभी मसीह में एक हैं। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश हो तथा प्रतिज्ञा द्वारा दी गई मीरास के भाग हो। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाने के कारण न केवल परमेश्वर समक्ष हमें एक नई पहचान प्राप्त हो जाती है, परंतु यह हमारे आपसी संबंधों को भी परिवर्तित कर देती है, जो कि पहले मानवीय संबंधों में दीवार बन कर अलगाव उत्पन्न करने वाले कारण थे, वह आज मसीह यीशु में समाप्त हो गए हैं।
ठीक उसी प्रकार जैसे मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से अलगाव दूर कर दिया गया है। धर्म विज्ञानियों के द्वारा इसे कहा गया है कि हमारा मसीह संबंधित ज्ञान, हम मसीह को किस प्रकार समझते हैं, हमारी कलीसिया संबंधित ज्ञान हम कलीसिया को किस प्रकार समझते हैं को प्रभावित करता है। जिस प्रकार प्रत्येक मसीह का प्रभु यीशु के साथ मेल मिलाप है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक विश्वासी को आपस में मेल मिलाप तथा आपसी प्रेम है। अतः हम मसीह होने का तात्पर्य केवल हमारे मोक्ष प्राप्त की हुई स्थिति को नहीं दर्शाता, परंतु यह मसीह के देह में पाए जाने वाले विश्वासियों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित करता है तथा विश्वास में इसके द्वारा एक गवाही भी प्रस्तुत करता है। गलातियों 3:28 में जब हम संत पौलुस ने कहा कि मसीह में अब ना तो कोई यहूदी या यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना ही पुरुष या स्त्री, उस समय विश्व की आधी से ज्यादा जनसंख्या स्त्रियों एवं दासों से मिलकर बनी थी। इस प्रकार से गलातियों 3:28 को प्रथम शताब्दी का सबसे आंदोलनकारी कथन कहा जा सकता है, जिसका सीधा संबंध सामाजिक ढांचे पर पड़ा। संत पौलुस के समय में एक व्यक्ति की नागरिकता, लिंग तथा पृष्ठभूमि उसकी सामाजिक प्रभाव को निर्धारित करती थी। इस प्रकार के सामाजिक परिवेश में संत पौलुस इस कथन के द्वारा एक नया मापदंड प्रस्तुत करता है। अतः इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य सर्वप्रथम अपने सांसारिक माता पिता के वंशज ना होकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वंशज हैं। यदि यह कथन सत्य है तो अब हम मसीह में सबको समान रूप से देखने के लिए बाध्य है। हमें परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा क्या प्राप्त होता है? क्या पापों से समा तथा छुटकारा नहीं, परंतु इसके अतिरिक्त हम पवित्र आत्मा के वरदानों को भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से विश्वासियों के समाज के रूप में संगठित होकर एक नई पहचान प्राप्त करते हैं तथा इस नए जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिए गए मूल्यों पर आधारित जीवन यापन करने लगते हैं। इसी कारण से अनेकों रंग, जाति या लिंग के आधार पर पाई जाने वाली असमस्या का विरोध करते हैं। यह जीवन उस नई दाखरस के समान है जो पुरानी मशकों को तोड़कर बाहर निकाल जाता है। इस कारण विश्वासी अनेकों पारंपरिक मूल्यों के आधार पर जीवन ना बिताए हुए परमेश्वर के मूल्यों पर आधारित जीवन बिताने के लिए स्वयं को आंतरिक रूप से विवश पाता है। जैसा हम संत पौलुस नागरिक संतों के जीवनों में स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसी प्रकार के नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन बिताने के कारण ही हम पाते हैं कि प्रथम शताब्दी की कलीसिया में दास, स्त्री तथा अन्य जाति के समुदाय से आए लोग प्रभु यीशु की कलीसिया में नेतृत्व दे सके। हम उन्हें सुसमाचार प्रचारों को ग्रहण कलीसिया के अगवों, शिक्षकों, प्रेरितों तथा प्रार्थना योद्धाओं के रूप में अनेक नगरों में सेवा करते हुए पाते हैं। इसी कारण से संत पौलुस को एक आंदोलनकारी अगवे के रूप में देखा गया है। वह इस बात को मान लेते हैं कि बहुतों के समान वह भी कलीसिया को सताने वाले थे, परंतु अब उन पर कृपा की गई है जिसके कारण वह भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के सर्वव्यापी परिवार का भाग बन गया है। इन नई पहचान को पाने में उसकी उच्च यहूदी पृष्ठभूमि रूपी नागरिकता, उच्च शिक्षा तथा पुरुष होने का कोई योगदान नहीं था। यह तो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से जो प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट हुआ। संभव है कि इस कारण से अनुग्रह के द्वारा प्रेरित के रूप में पाई गई सेवकाई को संत पौलुस समाज में पाए जाने वाले मूल्यों के अनुसार नहीं करते, परंतु परमेश्वर की ऐसी व्यवस्था के अनुसार करते हैं जिसके अंतर्गत चाहे पुरुष अथवा स्त्री, चाहे यहूदी हो या यूनानी, चाहे दास व स्वतंत्र,
परमेश्वर के याजकों के समाज के रूप में स्थापित किए गए हैं। यहाँ तक कि अछूत समझे जाने वाले लोग भी विश्वास के द्वारा इस परिवार का भाग बनने पाते हैं। परंतु इस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षाओं के विरोध में जीवन जीना आसान नहीं था, जिसको कि संत पौलुस के जीवन में भी देखा जा सकता है। वह जीवन भर यहूदी अगुओं का विरोध सहते हुए कठिनाइयों का सामना करते रहे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने स्त्रियों को चुना कि वे सेवकाई में नेतृत्व प्रदान करें, उसी प्रकार हम पाते हैं कि संत पौलुस ने भी स्त्रियों को समान दर्जा देते हुए कलीसिया की विभिन्न सेवाओं में नेतृत्व देने के योग्य बना, तथा प्रभु यीशु मसीह के समान उन्होंने स्त्रियों को सहकर्मी के रूप में प्रकट किया। स्त्री एक योग्य सहकर्मी के रूप में साबित भी हुई। प्रभु यीशु मसीह में स्थापित की गई नई वाचा पर गठित हुआ समुदाय का आरंभ पेंतिकुस्तल के दिन, जिस दिन यरूशलेम में विभिन्न देशों से आए नागरिकों ने, जो कि यहूदी तथा अन्य समुदायों से आते थे, अरबी तथा क्रेतवासी तथा विभिन्न देशों से आए लोगों ने परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक के द्वारा अपनी अपनी भाषाओं में स्तुति गान किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान प्रथम शताब्दी की कलीसिया को पवित्र आत्मा का अभिषेक बिना किसी रंग या जाति या लिंग भेद के आधार पर प्राप्त हुआ। अतः जब संत पौलुस पवित्र आत्मा के वरदानों की शिक्षा देते हैं, तब वह किसी भी रूप से इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं कि वह वरदान लिंग पर आधारित है। इस कारण प्रथम शताब्दी की कलीसिया की स्त्रियों को हम पाते हैं कि वह प्रचारकों, शिक्षकों, प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, पासवानों के रूप में कार्य कर सकी। इफिसियों 4 अध्याय 11 पद से 12 पद और पहली कुरिन्थियों 12 का 28। पहला आत्मिक वरदान प्रेरित के रूप में की गई सेवकाई का मिलता है। कलीसिया में सबसे पहले प्रेरित चुने गए। क्या आप स्त्री प्रेरितों की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, पवित्र शास्त्र में हम स्त्री प्रेरितों को भी पाते हैं। रोमियो 16 अध्याय 1 पद से 15 पद में हम देखते हैं जूनिया का विवरण पाते हैं, जो कि एक स्त्री थी। जैसा कि हमें अन्य संतों से पता चलता है कि जूनिया ने संत पौलुस के साथ कारागार में सजा काटी। कलीसिया के पिता जैसे क्रिसोस्टन, ओरिगन तथा जेरोम आदि ने भी जूनिया नामक स्त्री का प्रेरित होने की सच्चाई का विवरण किया है। पहली कुरिन्थियों में आत्मिक सेवाओं की सूची में प्रेरितों के पश्चात भविष्यवक्ताओं का वर्णन मिलता है। कलीसिया में परमेश्वर ने सर्वप्रथम प्रेरितों को, उसके पश्चात भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया। पहली कुरिन्थियों 12:28 एवं इफिसियों 4 अध्याय का 11 पद। कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस भविष्यवाणी के वरदान की खोज करने का अपवाह करता है। पुराने नियम के समान नए नियम में भी भविष्यवक्ताओं का कार्य सामाजिक रूप से सुधारक तथा प्रोत्साहन देने वाले के रूप में था। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि काफी हद तक कलीसिया की आत्मिक उन्नति का भार भविष्यवक्ताओं की सेवा पर आधारित होता है। पहली कुरिन्थियों 12 अध्याय 28 पद से 31 पद, इफिसियों 4 अध्याय 11 पद। प्रेरितों के कार्य में लूका कलीसिया अगुवाओं को भविष्यवक्ता तथा शिक्षक के रूप में देखता है। पौलुस के अनुसार भविष्यवक्ता तथा प्रेरित परमेश्वर के भेद की बातों को प्रकट करते थे। इफिसियों 3 अध्याय 4 पद से 5 पद। नए नियम में पाई जाने वाली महिला भविष्यवक्ताओं में प्रथम हन्ना का वर्णन आता है, जो कि एक अत्यंत पवित्र महिला थी। वह कभी भी मंदिर के ओसारों से बाहर नहीं आती थी, परंतु उपवास व प्रार्थना के साथ बालकों के यीशु के विषय में सबको बताया करती थी। लुका रचित सुसमाचार 36 अध्याय। पेंतिकुस्तल के दिन ओएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हुई, जब पवित्र आत्मा से भरकर सभी छोटे बड़े स्त्री व पुरुषों ने, जो कि अलग अलग जाति और देश से आए थे,
परमेश्वर की महिमा की। फिलिप्पियुस नामक सुसमाचार प्रचारक की 4 पुत्रियां थी जो कि भविष्यवक्ता थी, जिसका वर्णन लूका इस प्रकार से करते हैं, मानो पेंतिकुस्तल घटना के पश्चात यह एक साधारण सी बात हो। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय पौलुस इस बात को स्पष्टता से कहते हैं कि सभी भविष्यवाणी कर सकते हैं, परंतु क्रम का ध्यान रखकर। पहली कुरिन्थियों 14:31 और पहली कुरिन्थियों 11:3-5 में भी स्त्री एवं पुरुषों को भविष्यवाणियां करते समय किस प्रकार तैयार होना चाहिए इस विषय पर भी निर्देश देता है। आत्मिक सेवाओं की सूची में 3रे स्थान पर शिक्षा की सेवकाई को बताया गया है। कलीसिया में परमेश्वर ने सर्वप्रथम प्रेरितों को, उसके पश्चात भविष्यवक्ताओं को तथा 3रे स्थान पर शिक्षकों को नियुक्त किया। पहली कुरिन्थियों 12:28, इफिसियों 4:11 और रोमियो 12:6-8। जबकि नए नियम में किसी भी स्त्री को शिक्षा के रूप में नहीं संबोधित किया गया है, फिर भी हम पाते हैं कि स्त्रियों ने शिक्षक के रूप में सेवा की। इस संबंध में सबसे प्रमुख नाम प्रिस्किल्ला का आता है, जिसने व्यवस्था के ज्ञानी अपुलोस को शिक्षा दी। प्रेरितों की पुस्तक 18:24-26। इस भाग में हम देखते हैं कि अपुलोस ने शिक्षा को बिना किसी मतभेद के प्रिस्किल्ला से ग्रहण किया। प्रिस्किल्ला के इस कार्य को पूरा करने के विपरीत लूका तथा पौलुस ने प्रिस्किल्ला की शिक्षा देने की योग्यता को स्वीकारा। कुलुसियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस कहता है कि वे परस्पर एक दूसरे को सिखाए। कुलुसियों 3:16। इसी प्रकार से कुरिन्थियों की संपूर्ण कलीसिया को पौलुस की सलाह यह है कि अन्य भाषाओं में कहे गए अधिक शब्दों की अपेक्षा समझे जाने वाले कुछ शब्दों का बोलना उत्तम है। पहली कुरिन्थियों 14:19, इफिसियों 4:11 में भविष्यवक्ताओं के पश्चात सुसमाचार प्रचारकों का वर्णन मिलता है। प्रभु यीशु ने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता तथा कुछ को सुसमाचार प्रचारक करके नियुक्त किया। इफिसियों 4:11। नए नियम में पाई जाने वाली कौन सी महिला सुसमाचार प्रचारक थी? या वह स्त्री थी जो यीशु के पीछे होली थी तथा जिन्होंने अपने समुदाय में जाकर प्रभु यीशु का वर्णन किया। इनमें सायरा, फूसियान, मरकुस 7:26, स्त्री तथा सुखार के कुएं के पास की सामरी स्त्री शामिल है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:39, यह की सबसे पहली सुसमाचार प्रचारक ठहरी। इसके अलावा मरियम मगदलीनी ने भी सुसमाचार प्रचार की थी, जिनको परमेश्वर ने कहा कि वह जाए तथा इनमें भाइयों को बताए कि यीशु अपने परमेश्वर तथा उसके परमेश्वर के सम्मुख जाता है। यूहन्ना 20:17। उन स्त्रियों ने जिन्होंने कलीसिया का रोपण किया तथा गृह कलीसियाओं में नेतृत्व प्रदान किया, हम सुसमाचार प्रचारकों के रूप में पाते हैं। इनमें लीडिया का जिक्र पाया जाता है, जो कि एक गृह कलीसिया तथा व्यवसाय को चलाने वाली थी तथा जिसने सुसमाचार प्रचार की सेवकों को भी दिया। प्रेरितों के काम 16:13-14-40। लीडिया ने पहली कलीसिया को फिलिप्पी नामक शहर में स्थापित किया, जो कि यूरोप में स्थापित कलीसियाओं में सबसे आरंभिक ठहरी। प्रेरितों के काम में हमें बताया गया है कि एक नदी के किनारे पौलुस का प्रार्थना करती हुई कुछ महिलाओं से सामना हुआ। इस स्थान पर पौलुस लीडिया से मिला, जो कि एक वस्त्रों का व्यवसाय करने वाली तथा विश्वास से परिपूर्ण महिला थी। परमेश्वर ने उसके हृदय को खोला तथा उसके संपूर्ण परिवार ने बपतिस्मा लिया। उसी के घर में पहली गृह कलीसिया का आरंभ हुआ तथा वचन के अनुसार यह प्रतीत होता है कि वह भी इस कलीसिया की अगुवा थी।
वचन इस बात को भी बताता है कि इसी कलीसिया के द्वारा पौलुस को बराबर आर्थिक सहायता प्राप्त होती रही तथा यही वह कलीसिया है जिससे पौलुस ने आर्थिक सहायता ग्रहण की। फिलिप्पियुस के नाम पौलुस की पत्री को हम इसी कारण से एक बहुत नम्र तथा व्यक्तिगत पत्री के रूप में पाते हैं। क्या लीडिया नए नियम में पाई जाने वाली केवल एक ही कलीसिया की अगुवी थी? नए नियम में हम और भी महिला अगुओं का वर्णन पाते हैं जिनमें कुलिसियों में अफिसिया, फिलिप्पियोन, एक दो चुनी हुई महिलाएं, दूसरी यूहन्ना 1:1-11 और भी बहुत सारी महिलाएं प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर रही थी। कलीसिया रोपण करने तथा सुसमाचार प्रचार करने के आत्मिक वरदान की सराहना करते हैं। प्रथम कलीसिया में प्रिस्किल्ला के अधिकार पूर्वक स्थान को इस बात से समझा जा सकता है कि अन्य अगुओं के समान जैसे मरकुस, तिमोथियस, तीतुस, लूका आदि प्रिस्किल्ला को भी संत पौलुस सहकर्मी के शीर्षक के संबोधित करता है। इसी के साथ 6 स्थानों में से जहां अक्विला प्रिस्किल्ला का वर्णन पाया जाता है, 4 स्थानों में प्रिस्किल्ला का नाम पहले दिया गया है जिससे कि उसकी नेतृत्व दाता का बोध होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि कलीसिया में प्रिस्किल्ला के स्त्री होने के कारण से उसके द्वारा अपोलुस को शिक्षा देने या फिर कुरिन्थियों, इफिसियों तथा रोम में कलीसिया स्थापित करने के कारण प्रिस्किल्ला को दोषी नहीं परंतु उसे सराया गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पौलुस टिफ्रिना, टिफ्रोसा तथा परसिम्स के कार्य की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि उन्होंने सुसमाचार प्रचार में किस प्रकार से प्रभु में मेहनत की। रोमियो 16:12 ध्यान देने योग्य बात यह है कि शीर्षक प्रभु में मेहनत को संत पौलुस अपनी सेवाओं के लिए भी उपयोग करता है। दूसरी कुरिन्थियों 6:5 इंडोनिया तथा सिंटाकी को विशेष रूप से फिलिप्पी की कलीसिया में सुसमाचार प्रचार तथा सहकर्मी कहकर पुकारा गया है। इन 2 महिलाओं ने पौलुस के साथ मिलकर सुसमाचार प्रचार कार्य में संघर्ष किया। संत पौलुस इस बात को भी प्रकट करता है कि इंडोनिया और सिंटकी फिलिप्पियों की कलीसिया में अगुवाई के रूप में थी क्योंकि वे स्त्रियां कलीसिया के अगुओं में से थी। इस कारण पौलुस कहता है कि वह एक मन की हो जिससे कि कलीसिया की एकता पर कोई आंच ना आए। फिलिप्पियों 4:2-3 आत्मिक सेवाओं की सूची में डीकनों का भी स्थान था जो कलीसिया की सेवा करते थे। पहली तीमुथियुस 3:8-13 फिलिप्पियों 1:1 परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जाकर महिलाओं ने डीकनों के रूप में कलीसिया की सेवाएं की जो कि प्रथम शताब्दी में पुरुषों के लिए अनुचित मानी जाती थी। उदाहरण के रूप में महिलाओं ने दूसरी महिलाओं को तेल से अभिषेक किया तथा उन्हें बपतिस्मा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य स्त्रियों तथा बच्चों की शिक्षाएं दी तथा विश्वासियों के परिवारों में जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना की और उन्हें प्रभु भोज दिया। समाज में स्त्रियां, समाज में महिलाओं तथा लड़कियों के साथ भेदभाव का विचार मनुष्य के द्वारा आरंभ हुआ, ठीक उसी प्रकार जैसे कि जाति या रंग के आधार पर भेदभाव करने का विचार भारत जैसे ग्रामीण तथा कृषि प्रधान एवं प्रारंभिक समाज में जाति तथा कुल के आधार पर पुरुषों के द्वारा महिलाओं को ऊंची जाति के द्वारा नीची जाति को, बुजुर्गों के द्वारा जवानों को तथा अमीरों के द्वारा गरीबों को दबाया गया है, परंतु यह परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। पवित्र बाइबल के अनुसार संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप तथा समानता में बनाया है। इंसान के अनाज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर का यह स्वरूप
मानव जीवन में बिगड़ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए तथा तीसरे दिन जी उठे, जिसके द्वारा परमेश्वर का स्वरूप हम सब में पुनः स्थापित हो सके। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु यीशु के द्वारा छुड़ाकर उन्हें एक चुने हुए समुदाय का भाग बनाए। जबकि हम बाइबल में पुरुष एवं स्त्री की बराबरी के विषय में दी गई शिक्षा का अध्ययन करते हैं, तो हमारी आशा एवं प्रार्थना यह है कि हम परमेश्वर के वचन में से इस शिक्षा को सही रूप से समझ सके तथा हम व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से इस शिक्षाओं के द्वारा परिवर्तित हो सके। यह पहला अध्याय था। आगे हम दूसरी अध्याय दूसरे पार्ट की वीडियो में देखेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।